तो इस महीने नोकिया ब्रांड का एक और शानदार स्मार्टफोन नोकिया XR20 लॉन्च होने वाली है, जिसके बारे में खबर आ रही है कि ये मिलिट्री ग्रेड मजबूती वाला रग्ड स्मार्टफोन होगा और देखने में काफी शानदार होने वाला है। लॉन्च से पहले नोकिया XR20 की इमेज और स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स लीक हो गई है, जिसके मुताबिक माना जा रहा है कि ये मिड रेंज का स्मार्टफोन होगा। साथ ही IP68 रेटिंग के साथ इस फोन को 27 जुलाई को लॉन्च किया जा सकता है और ये एक डार्क ब्लू कलर में लॉन्च होगा। वैसे बीते दिनों नोकिया सी सीरीज, नोकिया जी सीरीज और नोकिया एक्स सीरीज के शानदार स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद नोकिया अब अपने फैंस के सामने काफी मजबूत फोन का ऑप्शंस रखने वाली है, जो कि पानी और धूल में भी सेफ रहेगा और ऊंचाई से गिरने के बाद भी नोकिया XR20 को कुछ नहीं होगा। दरअसल रग्ड स्मार्टफोन्स को लेकर कंपनी का दावा होता है कि ये बाकी स्मार्टफोन से ज्यादा मजबूत होगा और इसे आप रफ यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नोकिया के अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया XR20 में क्या कुछ खास है और उसे किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। आगे के कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, उसके लिए थैंक यू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन जरूर करें और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट भी कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अपने इस भाई का नाम भी जान लें। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे हैं टेक्नो अनूप। टेक इट अवे। तो नोकिया XR20 की एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें तो इस रग्ड फोन के बारे में जितने भी लीक रिपोर्ट आई है उनमें कहा जा रहा है कि इस फोन में 6.67 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि हाई रिफ्रेश रेट के साथ होगा। Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इस फोन को Qualcomm Snapdragon 480 5G प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन में 5GB और 8GB रैम के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज देखने को मिल सकती है। वहीं कैमरे की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा के साथ ही 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर वाला क्वाड कैमरा सेटअप दिख सकता है। दूसरा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी हो सकती है जो 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। नोकिया XR20 के बारे में जल्द ही और डिटेल सामने आ जाएगी, तो जैसे ही डिटेल आती है हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। वैसे इस फोन को 20,000 से 25,000 रुपए के प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है और इंडिया में इसे मिड सितंबर तक लॉन्च कर सकती है। तो ये थी नोकिया XR20 की अपडेट, कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।